Hey everyone, welcome back to my channel Select 2. I hope you all are doing well. और आज है उदयपुर का second day. We are going for a morning walk right now. सुबह 6:30 और हम फिलहाल जा रहे हैं चाय पीने के लिए टपरी वाले के पास. सो आज है हमारे दोस्त दीपक और उनकी वाइफ प्रिया की फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी. तो चाय पी के हम डायरेक्टली उनके रूम में जाएंगे. हमने प्लान किया है कि हम उनके लिए केक लेके जाएंगे. सो लेट्स गो टू देयर रूम नाउ. गए थे ना शाम को बेकरी में. मैं भाई 12 बजे जाएंगे लेकिन हिम्मत ही नहीं हुई भाई. ठीक है चलो क्लैपिंग करो भाई. तुम ही हो क्लैपिंग करने वाली. चलो भाई पहले कट. लेट्स कट. छोटा ही काटियो भैया, छोटा ही काटियो. ब्रेकफास्ट भी करनी है. टू यू. सो आफ्टर दिस वी आर गोइंग टू टेक अ ब्रेकफास्ट एंड इसके बाद थोड़ा सा हम घूमने जाएंगे बिकॉज काफ़ी जल्दी जा गए थे तो हमारा शेड्यूल काफ़ी ज़्यादा जल्दी चल रहा है. सो आज हम लोग विजिट करने वाले हैं उदयपुर का सिटी पैलेस. और ये जो है सबसे ब्यूटीफुल लोकेशन है उदयपुर की. अगर आप उदयपुर में कुछ भी सर्च करेंगे कि घूमने लायक जगह कौन सी है तो सबसे पहला ऑप्शन जो आएगा वो है सिटी पैलेस. सो हम पहुंच गए हैं सिटी पैलेस और यहाँ के एंट्रेंस के लिए जो टिकट है वो मेरे हस्बैंड और उनके फ्रेंड्स लेने गए हैं. और पीछे बैकग्राउंड में यहाँ कोई फंक्शन चल रहा है तो ढोलक की आवाज़ आप लोगों को आ ही रही होगी. एंट्रेंस से पहले हमारा यहाँ टेम्परेचर चेक किया गया है. काफ़ी चढ़ाई पे है ये. पूरे पैलेस के अंदर आपको ऐसा फील होगा कि आप बस सीढ़ियाँ ही चढ़ रहे हैं. ये जो पैलेस है ये लेक पिचोला के साइड में बना हुआ है. लेक पिचोला विजिट करने के लिए भी आपको यही एंट्रेंस लेना होगा. तो चलिए चलते हैं सिटी पैलेस के अंदर. इसका जो एंट्रेंस है और इसका जो भी ये पोर्शन है वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है. एंड दिस इज लेक पिचोला एंड इट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल प्लेस. और पैलेस भी बहुत ज़्यादा सुंदर है. बस आपको चढ़ते ही जाना है ऊपर. हमें अभी वहाँ तक चढ़ के जाना है ऊपर. सो मीट अ गाइड. ही इज़ अ वेरी नाइस और काम पर्सन और बहुत ही एंटरटेनिंग वे में उन्होंने पूरा पैलेस जो है हमें घुमाया है. और पैलेस घूमने के बाद हमें ऐसा लगा कि अगर हम ये खुद से घूम रहे होते तो हमें कुछ नहीं पता चलता इसके अंदर. गाइड ही है जो सब कुछ बताने वाले हैं कि कौन सी प्लेस का क्या सिग्निफिकेंस है. नियर अबाउट 2 से 3 घंटे लगेंगे आपको पूरा पैलेस घूमने में. एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस. और पैलेस हमने फिनिश कर लिया है और इसके अंदर शूटिंग का ज़्यादा आप कर नहीं पाएंगे बिकॉज यू आर टू बिजी इन वॉचिंग ऑल द थिंग्स. तो यहाँ से सीधा चलते हैं लंच के लिए. और हम लोग आए हैं रूफटॉप कैफ़े में. ये सारे जो रूफटॉप कैफ़ेज़ हैं ये सब लेक पिचोला के साइड में बने हुए हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल हैं.
किसी भी प्लेस पे जाएं घूमने और वहाँ की लोकल मार्केट्स विजिट ना करें तो वो ट्रिप कंप्लीट नहीं होती है। तो हम लोग यहाँ पे आए हैं बापू बाज़ार में। मार्केट में जो यहाँ के पॉपुलर बांधनी दुपट्टाज हैं और मीनाकारी की जो ज्वेलरीज हैं वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी। मैंने भी यहाँ से शॉपिंग करी है। मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में अपना सारा शॉपिंग स्टफ आप लोगों को दिखाऊंगी। So finally we are going back to the hotel and finally the shopping is over and today's day is also over. Thank you for watching and stay tuned for our next vlog. Bye.